दोस्तों, मैं अमित मिश्रा आज पेश कर रहा हूं अशर नजमी की कहानी प्रयोग। इस कहानी का संगीत दिया है सर्वेश सिंह ने और इसके निर्माता हैं येलो एंड रेड म्यूजिक। तो आइए सुनते हैं कहानी प्रयोग। मूर्ख हो तुम लोग, आज के मॉडर्न दौर में ऐसा अंधविश्वास, जादू टोना, पामिस्ट्री, भविष्यवाणी, वशीकरण, सब ढकोसला है यार। इन सब का हकीकत से कोई संबंध नहीं। मैं तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, मेरे ऐसे मूर्ख दोस्त जरूर हैं जो ऐसी फालतू बातों पे विश्वास रखते हैं। सुभाष भी ऐसा ही था, मेरा मूर्ख दोस्त। उसने मुझसे एक दिन कहा, आदित्य, तुम सचमुच जादू टोना नहीं मानते? मैं हंसने लगा, क्यों, दुनिया में मूर्खों का अकाल पड़ गया है क्या भाई? अच्छा, तू आत्मा को तो मानता होगा? अबे, मैं परमात्मा को नहीं मानता तो आत्मा क्या चीज है? ऐसा कैसे, क्यों नहीं मानता? सुभाष परेशान सा हो गया था और मुझे मजा आ रहा था। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव, आई वॉन्ट टू नो, मैंने कार्ल सागन को कोट किया। सुभाष मेरे जवाब से थोड़ी देर चुप रहा और अपने होठों को दांतों से झपाता रहा। मैं उसकी बेबसी देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अचानक वो अपनी जगह से उठा और मेरा हाथ पकड़कर रूम के बाहर खींचने लगा। चल चल, आज तुझे विश्वास हो जाएगा कि तू गलत है। मैंने उसका मजाक उड़ाया। अबे, किसी सेक्सी चुड़ैल से मिलाने ले जा रहा है क्या? सुभाष ने सुना अनसुना कर दिया। बस मुझे खींचता हुआ रूम से बाहर निकल गया। रास्ते भर मैं उसे छेड़ता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप मोटरसाइकिल चलाता रहा। सुभाष जहां मुझे लेकर आया था, वहां का माहौल रहस्यमय था। एक बड़े से रूम में एंटर होते ही ऐसा लगा जैसे एक अजीब सा अकेलापन है यहां। रूम में रोशनी बहुत कम थी, फर्श पे कारपेट बिछा हुआ था, वहां कोई चेयर नहीं थी। हाँ, रूम के बीचों बीच एक छोटा सा टेबल था और उसी टेबल के पास एक औरत बैठी हुई थी। अंधेरे के कारण उसके नैन नक्श साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरी आंखों की अंधेरे से दोस्ती हो गई तो मैंने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी जो काले रंग की साड़ी पहने हुए थी, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी थी, बाल खुले हुए थे, आंखों में काजल की मोटी परत थी, जैसे काली मां की मूर्ति की आंखों की होती है। और तभी उस औरत ने मुझे आवाज दी, बेटे पास आ जाओ। मैं उसके सामने यानी उस छोटे से टेबल के दूसरी तरफ बैठ गया। टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ था जो मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त एक लाल रंग का छोटा बल्ब जल उठा। अब मैं देख सकता था कि टेबल पर एक गोल कागज बिछा हुआ है और उसके बीच में एक बड़ी सी सुई लगी है, जैसे कंपास में होती है। दायरे में चारों तरफ हिंदी अल्फाबेट लिखे हुए थे। सुई नीचे की ओर एक ऐसी जगह पे रुकी हुई थी जहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। मुझे ये बिल्कुल कैसीनो में घूमती हुई सुई की तरह लगी। अंतर सिर्फ इतना था कि किस्मत आजमाने वाले सर्कल में कुछ नंबर लिखे होते हैं और इस सर्कल में अल्फाबेट लिखे हुए थे। तभी उस औरत ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य, मैंने जवाब दिया। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर सीधा मेरी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोली, मैं खुद कुछ नहीं करती, मैं बस आत्माओं की मदद लेती हूं, उनको बुला लेती हूं और तुम्हारे प्रश्नों का वही आत्मा जवाब देती हैं। तो क्या हमें आत्मा की आवाज भी सुनाई देती है? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा। नहीं,
मैंने एक अलग तरीका ढूंढा है उनसे बात करने के लिए। इस दायरे और सुई को मैंने अपने वश में किया है। जब आत्मा आती है तो ये सुई जोर से हरकत करती है। सवाल पूछने वाला जब अपना सवाल पूछता है तो वो बोलते बोलते अचानक रुक गई और मुझे घूरने लगी। थोड़ी देर बाद फिर बोली, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अभी जो कुछ होगा तुम्हारे सामने ही होगा, खुद देख लेना। तुम किसकी आत्मा को बुलाना चाहते हो? मैं पल भर के लिए सोच में पड़ गया। वो मेरी ओर देखती रही। मुझे लगा जैसे ये पूरा माहौल अब मुझ पर अपना रंग जमाने लगा था। मेरे मुंह से मालूम नहीं कैसे निकल गया, मुझे अपने डैड की आत्मा से मिलना है। ठीक है, उस औरत ने अपना सर हिलाया। अपना सवाल तैयार रखो, जब मैं बोलूं तो अपना सवाल पूछ लेना। रूम में अब सन्नाटा छा गया था। एक गहरी चुप्पी, सिर्फ तीन लोगों की सांसों की आवाज। इसके सिवा उस कमरे में कुछ नहीं था। मैं, मेरा दोस्त सुभाष और वो औरत। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और रोशनी सिर्फ उस कागज पर थी जहां थोड़ी ही देर में आत्मा आकर सुई को हरकत देने वाली थी। बूढ़ी औरत ने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। उसकी फुसफुसाहट अधीरे को और भयावह बना रही थी और मुझे नींद आ रही थी, जैसे एक पूरी बोतल शराब का नशा हो। मैं होश में था लेकिन अपने शरीर पर मेरा काबू नहीं था। मैं झूम रहा था, मेरा सर झुका हुआ था, मैं सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था। एक एक पल को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहा था। औरत की रहस्यमयी आवाज गूंजी, अपने बाप को आवाज दो, अपनी इच्छा प्रकट करो। मैं अपने डैड की आत्मा को बुलाना चाहता हूं। मेरे मुंह से फंसी फंसी सी आवाज निकली। औरत की आवाज फिर उभरी, और मैं अपने डैड से बात करना चाहता हूं। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? गुरुचरण दास। मेरी जबान से मेरे डैड का नाम अभी निकला ही था कि रूम में अचानक रोशनी का झमाका हुआ, जैसे किसी फोटोग्राफर का फ्लैशगन चमका हो। फिर बल्ब की रोशनी अचानक रेड से ग्रीन हो गई। सर्कल की सुई तेजी से हरकत करने लगी, मगर यह हरकत खाली जगह पर ही थी। औरत की आवाज एक बार फिर उभरी, तुम्हारे बाप की आत्मा कमरे में है। मेरा पूरा शरीर अचानक पसीना छोड़ने लगा। अब मैं रूम में कदमों की चाप सुन सकता था। मैं इस आवाज को पहचानता था। मेरे डैड गम्बूट पहनते थे। वो जब कभी परेशान या बेचैन होते तो इसी तरह कमरे में टहलना शुरू कर देते थे। मैं अच्छी तरह पहचानता हूं इन कदमों की चाप को। इस चाप से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता, मेरे बचपन का रिश्ता। मैं इस चाप को कैसे भूल सकता था जो उनकी मौत से सिर्फ एक रात पहले उनके बंद कमरे से बाहर आती रही पूरी रात। फिर उन कदमों की चाप ने मुझे लोरी बनकर कब सुला दिया पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो चाप खामोश हो चुकी थी और डैड भी, हमेशा हमेशा के लिए। लड़के, अपने बाप को और अधिक परेशान मत कर। जो पूछना है जल्दी पूछ और उसको जाने दे। औरत की आवाज ने मुझे अतीत से वर्तमान की पथरीली जमीन पर लापटका। अचानक मेरे दिमाग में एक शक ने सर उठाया कि यह सब मेरा भ्रम तो नहीं है। मैंने सवाल किया, क्या आप मेरी मां का नाम बता सकते हैं?
और जवाब में सुई अल्फाबेट पर थिरकने लगी थी। वो किसी एक अक्षर पर जाकर रुकती, फिर खाली जगह पर लौट आती। यहां तक कि उसने मेरी मां का नाम कुंती लिख दिया। मेरी आंखें डबडबाने लगी। इस प्रयोग ने मुझे निढाल सा कर दिया था, जैसे मेरे हाथ पांव में जान ही नहीं बची हो। फिर मैंने वो सवाल पूछ ही लिया जिसकी गोद में मैं पलकर बड़ा हुआ था। डैड, आपकी मौत का कारण क्या था? सुई ने हरकत की और मेरी जैसे सांस रुक गई। इस बार सुई की हरकत ने लिखा था जहर। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। फिर भी किसी तरह मैंने अपनी शक्ति को समेटते हुए पूछ ही लिया, किसने दिया था आपको जहर? एक बार फिर सुई हरकत में आई। एक नाम लिखा, दर्शन सिंह। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मेरा पूरा शरीर सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था। औरत की आवाज गूंजी, अब आत्मा को वापस जाना होगा। फिर कुछ ही देर में सुई खाली जगह पर अपने पुराने स्थान पर जाकर शांत हो गई। इसी के साथ ही रूम में रोशनी हो गई। मैं बहुत डरा हुआ था, आतंकित का शब्द सही होगा। मैंने चारों तरफ देखा और अपने दोस्त सुभाष को वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। मुझे खुद को संभालने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन फिर मैं जल्दी ही नॉर्मल हो गया। उस बूढ़ी औरत का नाम आभा था। ज्ञानी औरत थी वो, पाखंडी तो बिल्कुल नहीं थी, और वो इसको साबित भी कर चुकी थी। मैं अब अक्सर उसके यहां आने जाने लगा। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसका भी कोई नहीं था और मेरा भी। एक दिन मैंने आभा से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी ये विद्या मुझे भी सिखा दे। उसने पहले तो साफ मना कर दिया, पर जब मैंने उसको तर्क दिया कि वो अपनी ये विद्या अपने साथ चिता में क्यों ले जाना चाहती है, ये तो ज्ञान का अपमान है ना, फिर एक दिन वो मान ही गई और उसने मुझे अपनी रहस्यमयी और अद्भुत विद्या सिखानी शुरू कर दी। मैं भी पूरी लगन और निष्ठा के साथ ये विद्या सीखने लगा और बहुत जल्दी सीख गया। जिस दिन मैं पहली बार अपने बल पर आत्मा को बुलाने में कामयाब हुआ, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आभा भी खुश थी कि उसने अपनी विद्या एक जवान सीने में सुरक्षित कर दी है। मैंने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उस विद्या में कुछ नया प्रयोग करने का मन बना लिया। एक दिन मैंने अपनी गुरु आभा से अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं किसी जिंदा आदमी की आत्मा को बुलाना चाहता हूं। असंभव, मैंने तो ऐसा प्रयोग कभी नहीं किया, आभा ने बोला। तो क्या हुआ, तुमने नहीं किया, मैं तो करूंगा, मैं जिद पर अड़ गया था। आभा मेरे जिद्दी स्वभाव को जानती थी। वो समझाने लगी, नहीं बेटा, ऐसा प्रयोग करने का हमें आदेश नहीं है। लेकिन मैं फैसला कर चुका था, मुझे किसी के आदेश की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन सबने एक न्यूज सुनी। देश के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दर्शन सिंह एक मीटिंग में अचानक बेहोश हो गए और बेहोशी में ही उनकी मौत हो गई। आभा सब कुछ समझ गई थी, लेकिन मुझसे वो इसकी पुष्टि चाहती थी। मैंने भी उसे निराश नहीं किया, आखिर को वो मेरी गुरु थी। मैंने उसको याद दिलाया, तुमको याद है तुम्हारे सामने मेरे बाप ने अपने हत्यारे का क्या नाम बताया था? दर्शन सिंह। वो मेरे बाप का बिजनेस पार्टनर था, उसी ने मेरे बाप को जहर देके मारा था। तुमने उसके साथ क्या किया? आभा की आवाज कांप रही थी। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने दर्शन सिंह की आत्मा को बुलाने के बाद दायरे की सुई को तोड़ दिया था और उसको वापस उसके शरीर में नहीं भेजा। सिंपल।